हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम हो गए हैं रेडी और निकल रहे हैं मसूरी के टूर करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लाउडी है बाहर। चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हालत है। यो, लेट्स गो। या अभी हो गए हैं तैयार और मम्मी पापा अभी लास्ट मिनट तैयारी में है। सौरभ आके बैठ गया है। अंधेरा आ रहा है और ये हो गई ही नदिया। सो फाइनली हम निकल चुके हैं मसूरी घूमने के लिए, लेकिन वेदर का पता नहीं, वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी है। तो अभी बताओ कितना घूमने, वैसे चार मैं सॉर्ट आउट की हूँ कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो आई थिंक, आई होप वो प्लेसेस कवर कर पाए। द फर्स्ट टाइम द चैनल ऑन आवर कार, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डू कमेंट्स एज मच एज पॉसिबल यू कैन, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही हमें पता चलता है हम कितना अच्छा और कर सकते हैं। थैंक यू यूट्यूब फैमिली। तो अभी देखो मौसम का हालत देखो, इतना ज़्यादा क्लाउडी क्लाउडी हो रही है। बहुत अच्छा टाइम लैप्स आता है, लेकिन पता नहीं आपको पता चल रहा है कि नहीं, क्लाउड्स उड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही। देखो ये पूरा वैली व्यू है और लेकिन अभी पूरा क्लाउडी है। बिटवीन द क्लाउड्स, इन द क्लाउड्स, अमंग द क्लाउड्स, जो भी बोलो। होटल से निकलते ही हमारे यहाँ पे एक आई थिंक लैंडस्लाइड, पता नहीं, अभी गाड़ियाँ रुक गई है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रॉक्स फॉलिंग हो रही है थोड़ी बहुत, लैंडस्लाइड जैसा। पता नहीं आप देख पाओगे कि नहीं, लेकिन हो रही है इसलिए ये रुक गए हैं। देखो कैसे क्लाउड्स आ रहे हैं। ऊपर से हो रही है कहीं से। अच्छा यहाँ पे काम हो रही है, एक मिनट रुको, इफ़ पॉसिबल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो काम हो रही है यहाँ पे, ये सारे गिर रहे हैं यहाँ से। देखो काम हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए गाड़ियाँ रुक रही है। तो भैया खड़े हैं रेड फ्लैग लेके, आप खड़े हो रेड फ्लैग लेके, आपने गाड़ी रोके? अच्छा हमने सोचा ऐसे रोक कैसे गए अचानक से बिना कोई इंडी। अच्छा देख रहे हो आप कितना ज्यादा क्लाउडी है पूरा एकदम। तो अभी हम जा रहे हैं केम्प्टी फॉल्स की तरफ, और केम्प्टी फॉल्स में अभी तो रोपवे भी कर दिया है, तो मम्मी पापा को भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा वॉकिंग है क्योंकि मेन रोड पे गाड़ी रख के नीचे उतरना पड़ता है। नीचे उतर के थोड़ा सा वॉकिंग है, उसके बाद रोपवे का मतलब एंट्री है। थोड़ा सा वॉकिंग है, जाते वक्त तो डाउन हिल रहेगा, लेकिन आते वक्त अप हिल रहेगी। हमारी ट्रेन है जी, सब है दारू।
भी छोटे छोटे जो भी है, एक गार्डन है, बहुत ज़्यादा क्राउड। फाइनली वी हैव रीच्ड कैंपी फॉल्स। अभी हम फॉल्स के तरफ ही जा रहे हैं। चलो चलो, यहाँ से रास्ता है, यहाँ से नीचे चलेगा। साइड में देखो शॉप्स को, ये नीचे जाके हमको अभी रोपवे का रास्ता मिलेगा। रोपवे में फिर टिकट का एंट्री फी लगती है। शॉप्स देखने को इतने सारे शॉप्स, तो ये हम आ गए हैं रोपवे के टिकट की लाइन में। टिकट प्रति व्यक्ति 200 रुपये, 200 रुपये में आना और जाना दोनों। 100 रुपये कार्ड टिकट। तो ये है रोपवे की जगह और यहाँ से हम रोपवे जा रहे हैं। तो फाइनली हम रोपवे में चढ़ गए हैं, लेकिन अब तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। और सो एक ही साथ में चला, चल ही रहा है। ये देखो बैठा हुआ है, बस यही खत्म। ये छोटा सा ही है रोपवे। ये आ गए, पहुंच गए। अभी थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी और फिर हम पहुंच जाएंगे कैंपी फॉल्स के तक। ये है हमारी कैंपी फॉल्स। ये देखो, ये है हमारी कैंपी। कितने लोग इसी के लिए आते हैं कैंपी फॉल्स में नहाने के लिए आते हैं। यहाँ पे जॉर्ज माउंट एवरेस्ट तो फाइनली हम पहुंच गए हैं जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। ये एक व्यू पॉइंट है। सो जॉर्ज एवरेस्ट का थोड़ा हिस्ट्री बता देती हूँ। जॉर्ज एवरेस्ट वाज अपॉइंटेड, मीन्स ही जॉइंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनको अपॉइंट किए थे टू मेजर द हाइट्स ऑफ द माउंट एवरेस्ट। तो वो एक्चुअली सर्वेयर एंड जियोग्राफर थे। तो यहाँ पे वो इनका हाउस है जो यहाँ पे ही यूज्ड टू स्टे ओवर हियर।
यहाँ से बहुत ही बढ़िया एक कार पार्किंग है, तो कार पार्किंग के लिए कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है। रोड्स भी सही है। अगर आप टूवर्ड्स मसूरी आ रहे हो तो आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा, और अगर आप मसूरी से निकल रहे हो तो आपको राइट लेनी पड़ेगी, फिर सीधा सीधा रोड है। एंड तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा प्रॉपर कार पार्किंग का जगह है, और वहाँ पे सामने गाड़ी पार्किंग की जगह, और गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ से सीधा सीधा 1 किलोमीटर का ट्रैक है, जो इसी रोड पे सीधा सीधा हमको वो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तक लेके जाए। प्रॉपर 1 किलोमीटर का ट्रैक है, एंड थोड़ा सा चढ़ाई है, मुझे जहाँ तक गूगल से पता चला है कि थोड़ा सा चढ़ाई है। दैट इज़ द जो उनका जो हाउस है, दैट इज़ द हाइस्ट पॉइंट, मीन्स हाइस्ट पॉइंट मतलब वो एक हिल टॉप है। तो चलते हैं वहाँ पे, चलो आप भी हमारे साथ ट्रैक करते करते। बट डिफरेंस यही है कि मेरी सांस फूली कि आपके लिए। हम भी चले जा रहे हैं, लेकिन पता है मुझे नहीं लगता कि ये 1 किलोमीटर का ट्रैक है जो हमें नीचे बोला गया, ये करीबन 2 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, अच्छा कैंपिंग रिसोर्ट है। कैंपिंग रिसोर्ट है ये, अगर आप चाहो आगे रुक सकते हो। तो पार्क कैफे मसूरी, रुके हैं। हाँ मम्मी और चल नहीं पा रही है, लेकिन लेके आ रहे हैं उनको। मुझे लगा ही था वो चल नहीं पाएंगे। ये है सर जॉर्ज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क म्यूजियम ऑफ कार्टोग्राफी, और फिर यहाँ से टिकट बुक करना पड़ेगा। और अच्छा ये शायद बाद में टिकट काउंटर बनेगी, अभी इनका काम चल रहा है, अभी तो ओपन टू ऑल है शायद। आई थिंक स्पेसिफिक कार को परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि टूरिस्ट कार्स तो नहीं आती है। आई थिंक वो जो दूर में दिख रही है वो जॉर्ज एवरेस्ट की हाउस है। हाँ, और ये यहाँ पे कैफ़े टाइप बनाया हुआ है, टूरिस्ट स्पॉट है तो हर जगह कैफ़े बन ही जाती है, और ऊपर से इतना लंबा ट्रैक क्या ही बोलूँ, 2 किलोमीटर की ट्रैक थी, बट 1 किलोमीटर की तो नहीं थी। वो ऊपर तक जाना है, ये बीच में जगह है। तो ये है सर जॉर्ज एवरेस्ट, और यहाँ से ये ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। मुझे तो बहुत मन था ऊपर ट्रैक करके जाने का, लेकिन मम्मी पापा है तो जा नहीं पाएंगे वो लोग, फिर कभी देखेंगे। यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। चलो एक बार व्यू देखते हैं इसका कैसा है। ट्रैक के लिए शायद मैं भी शूज़ पहनना चाहिए था, हील्स पहन के शायद ट्रैक नहीं कर पाऊँगी हील्स, लेकिन हाँ वो है ट्रैक का पूरा एकदम, है ना, पीक जो दिख रही है ना वहाँ तक है। बहुत बढ़िया व्यू है, मैंने देखी थी। चली भी जाती शायद, रास्ता वैसे ठीक है, पता नहीं वहाँ ट्रैकिंग का रास्ता कैसा है। यहाँ तक तो ये जो फूड वाला कैफ़े वाला एरिया है, यहाँ तक तो ठीक है। वो जो दिख रही है ना वो वाली है पॉइंट, वो पॉइंट ट्रैक करके जाने का। ब्यूटीफुल क्लाउड्स आर फ्लोइंग। फाइनली हम पहुंच गए हैं मॉल रोड ऑफ मसूरी। इतना ज़्यादा कंजेस्टेड है, और ये है मसूरी का लाइब्रेरी।
দেখো ভালো করে পাও কি না। इतना ज्यादा ट्रैफिक है इसलिए आई। बहुत ज्यादा थके हैं, फाइनली हम पहुंच गए हैं होटल और पैर में और कुछ है नहीं बची हुई, मतलब मेडिसिन तो लेना पड़ेगा वरना कल वापसी में बहुत दर्द करेगा। तो चलो आज के लिए यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं और रेस्ट लेते हैं, एकदम आराम सा एक साउंड स्लीप लेते हैं, फिर कल बैक टू होम। सो इस बार टूर यहीं पे ख़त्म, बहुत घूमे, अच्छा टूर रहा, अच्छा ट्रिप रहा हमारा। सो चलो बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट्स करना मत भूलना। लव यू ऑल।